हाय, हाय। आज हम आपको बताएंगे कि हम इस टैबलेट में कौन कौन से ऐप यूज करते हैं डेली बेसिस पे और कौन कौन से वर्क इससे लेते हैं। कई लोगों ने ये बात पूछी थी हमसे, तो हमने सोचा क्यों ना इस पे वीडियो बनाए। तो सबसे पहले मैं प्ले बुक के यूज करती हूँ, गूगल प्ले बुक, बुक्स पढ़ने के लिए। ये मेरे बुक्स का कलेक्शन है और यहाँ पे ये वाली बुक अभी मैं पढ़ रही। तो यस। और रिसेंट में हमने ये वाली सोफीज वर्ल्ड, हमने ये बुक जो है वो फिनिश कर दी थी। उसके अभी अलावा डाउनलोड करना हाँ पड़ेगा, तो अभी डाउनलोडेड नहीं है, हाँ आफ्टर ठीक है। डार्क भी मैंने मुराकामी की जो है वो कंप्लीट कर दी थी इसमें। और टैबलेट में आपने देखा होगा बुक पढ़ने का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होता हाँ, है। आप शॉर्ट में इसको मैं बता दूँ कि आप इसमें ना बुक में ही जो है, एक तो आपको ब्लू लाइट फिल्टर मिल जैसा लुक जाता आ है। जाता है, जो कि उसके अलावा आप इसको इवन डार्क मोड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और डिफरेंट टाइप के फॉन्ट जो हैं उनको चूज चेंज कर कर सकते सकते हैं हैं। और फॉन्ट साइज भी बड़ा घटा सकते हैं जैसा आप चाहें तो उस। अगर आपको कभी कभी वीकेंड में रात में बैठ के पढ़ने का मन करे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, उसके अलावा सेकंड बुक रीडिंग जो ऐप हम यूज करते हैं वो किंडल का ही है। किंडल जो है उसमें आप बुक जो है खरीद सकते हैं, बहुत सी बुक आपको प्राइम के साथ या अदर सब्सक्रिप्शन मेथड के साथ भी मिल जाती हैं। रिसेंट में मैंने जैसे चाणक्य की कॉमिक्स जो है इसमें फिनिश की थी। अब ये चाणक्य की कॉमिक्स है जो अमर चित्रकथा वाली, तो यहाँ पर वो है, इसको मैंने फिनिश कर दिया है। उसके अलावा जो है आप ये काफ़ी डिफरेंट, अच्छा हाँ आपको आर्ट इसमें देखने को मिलेगा और हाँ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस और यहाँ रहेगा। पे डिफरेंट जो बुक्स अवेलेबल हैं वो सारी बुक भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब चूँकि डाउनलोड नहीं है, डाउनलोड होगी तो आपको यहाँ पर वो दिख जाएगी। जैसे ये रशियन जर्नल जो है वो भी मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, तो इसमें भी फॉन्ट साइज जो है घटा बढ़ा सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो है बुक मार्क ऐड कर सकते हैं, आप जो भी मोड चाहें इसका थीम में जाकर, आप लो विजन, स्टैंडर्ड साइज, उसके अलावा लेआउट चेंज कर सकते हैं, थीम भी डार्क कर सकते हैं। तो इसमें भी जो कस्टमाइजेशन के ऑप्शन हैं बहुत ज़्यादा हैं। और ये ट्रैवलिंग के लिए मैं इसको काफ़ी यूज़ करता हूँ, इन बिल्ट डिक्शनरी वगैरह सारी सुविधाएं आपको इसमें मिल जाती हैं। हाँ, तो जो आपको किंडल बुक, किंडल का जो आता है किंडल, उसमें जो एक्सपीरियंस है सेम चीज़ आप टैबलेट में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कर बस सकते ये कि आपको पेपर फील नहीं आता है, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। इवन इसमें कलर दिखता है, नॉर्मल किंडल्स में वो कलर नहीं दिखता है। तो नेक्स्ट ऐप बढ़ते हैं कि हम कॉमिक्स पढ़ने के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आ तो जाएगा सबसे हमारा पहले तो मैं ऑनलाइन ही एनिमे मंगा वगैरह पढ़ती हूँ। तो मैं इसका मोजिला फायरफॉक्स का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि जो मंगा वाली साइट्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट रहते हैं, तो उसको ब्लॉक करने के लिए मोजिला जो है बहुत अच्छा काम करता है। इस पर एड ऑन यूज हो सकता है और आसानी से ये जो भी ऐड आते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। वाह, तो अगर आपको ये फ़ोटो वाले स्टोरीज पढ़ने में अच्छा लगता हो तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी ऐड नहीं आ रहा है फायरफॉक्स इस्तेमाल करने में। यहाँ पे ऐड ऑन कौन सा लगा है, ऐड ब्लॉक, यस यस ऐड ब्लॉक ऐड ऑन, जैसे कंप्यूटर में ऐड ब्लॉक हम यूज करते हैं तो वैसे ही यहाँ पर भी आप ऐड ऑन यूज कर सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी नहीं बात तो है। ऐसे आप कोई भी कॉमिक्स या मंगा पढ़ते रहें तो इसके साइड साइड में ऐड आता रहता है, यहाँ थोड़े थोड़े ऐड आते रहते हैं, ठीक है, तो उससे तो आप बच सकते हैं। हाँ, और मैं कौन सा कॉमिक पढ़ने के लिए ऐप यूज करता हूँ तो वो है कुरो रीडर। कुरो रीडर जो है उसमें आप डिफरेंट CBZ CBR फॉर्मेट की कॉमिक्स जो है डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें मैंने ढेर सारी पढ़ी है। इसमें करंटली मैं डेडपूल की ये सीरीज है, डेडपूल की सीरीज की लास्ट वॉल्यूम जो फोर्थ वॉल्यूम है वो पढ़ रहा हूँ। तो इसमें जो है मुझे ये अच्छा लगता है कि काफ़ी इसका नेविगेशन ईजी है, प्लस जूम कर सकते हैं, बहुत हाई क्वालिटी इमेजेस वगैरह दिखती हैं। अब और देखें तो कलर भी यहाँ काफी अच्छा है, पॉप कलर हो काफ़ी गया था। अच्छा है और इमेज में लॉस नहीं होता है, ग्लिटरिंग नहीं दिखती है, तो क्वालिटी अच्छी है, इसमें पढ़ने में मज़ा आता है, नेविगेशन भी काफ़ी स्मूथ है। तो ओवरऑल मेरा कुरो रीडर का एक्सपीरियंस जो है अच्छा है, इसमें कोई ऐड नहीं है। और मुझे कॉमिक्स पढ़ने में भी ये टैबलेट काफ़ी अच्छा लगा। कॉमिक्स में अगर आप कलरफुल चीज़ें देखें तो बहुत अच्छे अच्छे हैं। देखिए आप डायग्राम देखिए इनके, कई बार तो ऐसे बना देते हैं एकदम लगता है जैसे फोटो में से बाहर आ जाएंगे। इस टाइप से आर्टिस्ट इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। तो क्वालिटी आप देखिए, क्वालिटी जो है इमेज की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा जो फन रीडिंग वाला। उसके अलावा आप सीरियस रीडिंग की बात करें तो मेरे ख्याल से सबसे पहले आ जाएगा कि कौन सा PDF रीडर हम इस्तेमाल करते हैं पढ़ाई के लिए। तो पढ़ाई के लिए बहुत सी बुक्स होती हैं जो कि PDF में ही अवेलेबल होती हैं। अगर मान लीजिए किसी को ये मटेरियल पढ़ना है तो ये हमारा फेवरेट इस समय जो PDF रीडर है वो फॉक्सिट रीडर ही है। इसमें भी नाइट मोड मिल जाता है आप और आसानी हाँ से इसको
पलट सकते हैं हाँ, डिफरेंट एनोटेशन के इसमें मिल जाते हैं आपको, टूल मिल जाते हैं, हाईलाइटिंग, अंडरलाइन, डिफरेंट टाइप के कलर। हाँ, और खास बात तो ये है कि अगर आप इसको हाईलाइट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक सेव कर लेता है, हाँ, आपको अलग से कोई भी फाइल बनाने की जरूरत नहीं फाइल की पड़ती। अलग से कॉपी नहीं बनती। प्लस अगर ये आपने इसमें हाईलाइट कर दिया है, आप दूसरे डिवाइस में इस फाइल को ट्रांसफ़र करेंगे, चाहे ईमेल से या अदर तरीके से, तो वहाँ भी आपको सारी अंडरलाइन वगैरह अदर डिवाइसेज में भी शो होने लगेगी। फ़ोन में भी होता है, फॉक्सिट रीडर अवेलेबल, मैक के लिए अवेलेबल, आईफोन के लिए अवेलेबल है, पीसी के लिए अवेलेबल है, तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म हर जगह ही अवेलेबल है। और ये एकदम से फ्री है, आप इसको हाँ जैसे जैसे आप यूज करेंगे एकदम से हैंडी हो जाएगा, आपको हाँ लगेगा कि सेकंड हैंड है। अगर आप जब भी पीडीएफ पढ़ना चाहेंगे तो सीधे आप फॉक्सिट में ही आएंगे। हाँ इसमें टूल काफ़ी अवेलेबल, तो ये हमारा फेवरेट पीडीएफ रीडर है इस समय। तो अब बढ़ते हैं नोट टेकिंग के लिए। नोट टेकिंग के लिए कौन सा ऐप इस समय नोट इस्तेमाल हो रहा टेकिंग के लिए मैंने कुछ टाइम के लिए टच नोट इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं फील हो रहा था। है? हाँ प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब भी इनका पेज पलटने की कोशिश करो तो पूरा गायब ही हो जा रहा था, पूरा पूरा वो हो जा रहा था, बाहर निकल जा रहे थे। अच्छा और इसका कई बार पेज पलट जाता है और उसके बाद यहाँ पे नंबर नहीं दिखते, फिर ये जो भी आपका लिखा हुआ है वो एकदम से गायब हो जाता है, फिर आपको यहाँ पे जाके उसको क्लिक करना पड़ता है तब आपको दिखाई देता है। यानी बग है इसमें थोड़ा, जिसकी वजह से अब ये इतना नहीं इस्तेमाल हो रहा। लास्ट मंथ तक ये ज़्यादा यूज हो रहा था, अब कौन सा ऐप ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है? अब मैं स्टार्ट किया है कल से वन नोट का, तो वन माइक्रोसॉफ्ट नोट वन जब नोट। मेरे हाथ में एकदम से आ जाएगा तो मैं ज़रूर इसके बारे में आपको बताऊंगा। वन नोट का मेरा ये एक्सपीरियंस है कि इसमें राइटिंग सबसे अच्छी बनती है। हाँ, वन नोट के जैसे अभी तक का राइटिंग एकदम से स्मूथ बटर टाइप का राइटिंग इसमें बनता है और कोई भी कंप्लेंट नहीं है। तो मैं चाह रही थी कि वन नोट काफ़ी टाइम से ट्राई करे, पता नहीं क्यों नहीं मैं ट्राई कर रही थी, मुझे खुद इसका रीजन नहीं पता, लेकिन अब फिर से मैं वन नोट ट्राई करने जा रही और देखूंगी इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अभी तक तो सब चीज़ सही है। तो उसके अलावा हम जो है रिसेंट में अपने टैबलेट में हमने ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर दिया है। हमने ट्रेडिंग के डिफरेंट ऐप भी इसमें इंस्टॉल कर रखे हैं। हमने ग्रो ऐप, अब स्टॉक, मोतीलाल ओसवाल का ऐप, कोटक का जो स्टॉक ट्रेडिंग ऐप होता है, इस टाइप से जो भी ऐप हैं वो हम यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं और हम ट्राई कर रहे हैं। हमने इसमें से ट्रेडिंग करना स्टार्ट भी कर दिया है और इसमें हमारा एक्सपीरियंस ठीक है। खास बात है कि जो भी, अगर आप मान लीजिए कोई शेयर है उसमें आप जो है पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर लाइन इसको ड्रा करने के लिए। आप डिफरेंट टाइप के इंडेक्सेस को देख सकते हैं, इसको पेन का इस्तेमाल करके इसका हाँ लाइन ड्रा कर सकते हैं। अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए तो उसको तुरंत आप ले सकते हैं, अगर ये वाला चाहिए ट्रेंड लाइन ले लें तुरंत लगा सकते हैं, यस, ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं। तो पेन का यहाँ पे इस्तेमाल है जो कि मेरे ख्याल से कंप्यूटर से भी ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि पेन से आप बहुत बारीकी से ये चीज़ इस्तेमाल कर कर सकते लेते हैं। हैं, कई बार आप माउस का इस्तेमाल करते हैं जब विंडोज वाले कंप्यूटर जब इस्तेमाल करते हैं तो उसमें उतना एक्यूरेसी नहीं होता जितना आप एकदम पास से देख के स्क्रीन पे ऐसे आप कर रहे हैं। हाँ तो इसमें एक्सपीरियंस अभी तक ट्रेडिंग का भी